हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की मैथ्स की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आरडी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 1 रैशनल नंबर से स्टार्ट कर रखा है। तो इसमें मैंने आपको एक्सरसाइज 1.1 एंड 1.2 करा दी है। आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 कराने वाली हूँ। यहाँ पर इसमें आपसे हमने ये भी शुरू कर दिए, देखो क्वेश्चन नंबर 12 तक के क्वेश्चन चैनल पर अपलोड हैं। तीन ही क्वेश्चन रह गए हैं इस एक्सरसाइज के, 13, 14 एंड 15। आज उन्हें कम्प्लीट कर लेंगे, फिर ये एक्सरसाइज पूरी कम्प्लीट हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है आपसे क्वेश्चन नंबर 13 में, वर्ड शुड बी एडिड टू 1/2 + 1/3 + 1/5। इस पूरी एक टर्म में ऐसा क्या ऐड करें कि हमारा आंसर 3 आ जाए। तो जब भी कुछ ऐड करना होता है हम उसे लेट करते हैं, तो हमने यहाँ लेट कर लिया। लेट एक्स शुड बी एडिड। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ देखें तो 1/2 + 1/3 + 1/5, इस पे हम x को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब आपको फिर यहाँ x की वैल्यू निकालनी है। इन सबको मैं दूसरी साइड पे ले आई तो ये सारी टर्म्स जो हो गई वो माइनस की हो गई। ठीक है ना, इसके नीचे कुछ नहीं था, 1 ले लिया। बेस सेम करना पड़ेगा। अगर हम बेस सेम करने की बात करें तो तीनों के टेबल में मैं अगर कॉमन नंबर देखूँ तो वो मुझे 30 मिल रहा है, जो 2 की टेबल में, 1 की टेबल में, 3 की टेबल में और 5 की टेबल में आता है। ठीक है, अब 1 से 30 को डिवाइड करेंगे, 30 को 3 से इंटू करेंगे, 90। 2 की टेबल में 30 जो है वो 15 पे आता है, 15 1 जा 50। 3 की टेबल में 30 10 पे आता है, 10 1 जा 10 हो जाएगा। 5 की टेबल में 30 6 पे आता है, 6 1 जा 6 हो। तो एक्स कितना आ जाएगा आपके पास, 90 में से पहले 15 को माइनस किया तो 75 आया, उसमें से 10 को माइनस किया तो 65 आया, उसमें से 6 को माइनस किया तो 59 आ गया। ठीक है, तो ये आ गया 59/30। अब ये आगे सॉल्व नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये दोनों एक टेबल में नहीं आते नंबर, तो बस आपको यही लिखना है, 59/30 शुड बी एडिड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। इसमें आपसे कह रहे हैं व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इसमें से ऐसा क्या सब्ट्रैक्ट करें कि आंसर ये आ जाए। लेंगे इसमें भी एक्स ही, लेट एक्स शुड बी सब्ट्रैक्टेड। जब भी एडिड और सब्ट्रैक्टेड की बात करें ना, हमेशा एक्स को लेट कर लिया करो, तो लेट एक्स शुड बी सब्ट्रैक्टेड। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपसे कह रहा था इसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, तब आप सब्ट्रैक्शन का साइन लगाओगे और एक्स लिख दोगे। जब एडिट की बात करेगा तो प्लस का साइन लगा के एक्स लिख। ठीक है, आपका आंसर कितना आना चाहिए, -1/6। अब देखो यहाँ आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स को इधर ले जाओ और 1/6 को इधर ले आओ, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है ना वो हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। जैसे एक्स की निकालनी है, अब एक्स यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव था तो दूसरी साइड ले जाके मैंने उसे पॉजिटिव कर दिया। ठीक है, अब बात आती है 4, 3 और 6 की टेबल में कॉमन नंबर क्या है, 12 है। तीनों की टेबल में आता है तो इनका एलसीएम 12 ही आएगा। 4 की टेबल में कितने पे आता है, 3 पे, 3 3 जा 9। 3 की टेबल में 4 पे आता है, 4 2 जा 8। 6 की टेबल में 2 पे आता है, 2 1 जा 2। ठीक है, 9 में से 8 जाएगा 1 1 + 2 3, तो 3/12 आ गया। ये तो कट हो रहा है ना, 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, तो एक्स की वैल्यू तो 1/4 आई। इसका मतलब बस यहाँ लिख दो 1/4 शुड बी सब्ट्रैक्टेड। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ये कहने के लिए फिल इन द ब्लैंक्स हैं, लेकिन आपको पूरे सॉल्व ही करने पड़ेंगे। जैसे आपको इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यहाँ लिखना है इस ब्लैंक में, तो -4/13 है। मैंने बेस सेम करने के लिए 2 से इंटू कर दिया, क्योंकि मुझे पता है 13 की टेबल में 26 आता है 2 पे। ये वाला माइनस और ये वाला माइनस मिलके यहाँ प्लस हो गया, और ये 3/26 ऐसी है। यहाँ आ गया -8/26 प्लस यहाँ आ गया आप पे 3/26। अब 26 बेस सेम हो गया, 8 में से 3 जाएगा 5, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि 8 बड़ा नंबर है, तो इसका आंसर आ गया -5/26। क्लियर?
सेकंड वाले पार्ट में क्या कह रहे हैं, यहाँ पर ये ब्लैंक है तो इसको मैंने एक्स मान लिया। अब माइनस नाइन अपॉन फोर्टीन प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस वन है, माइनस नाइन अपॉन फोर्टीन ये प्लस का माइनस का यहाँ के प्लस का हो गया। अच्छा एक्स की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है उसको पॉजिटिव रखो है ना, यही अभी मैंने आपको बताया था। तो बस ये यहाँ पर माइनस का इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, के नीचे कुछ नहीं है, वन ले लिया, बेस सेम किया, माइनस फोर्टीन अपॉन फोर्टीन प्लस नाइन अपॉन फोर्टीन आ गया। अब फोर्टीन में से नाइन जाएगा तो फाइव बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि फोर्टीन बड़ा नंबर है, तो एक्स आ गया आपका माइनस फाइव अपॉन फोर्टीन, तो इस ब्लैंक में आएगा माइनस फाइव अपॉन फोर्टीन। ठीक है चलिए थर्ड पार्ट, अगेन यहाँ एक्स लेंगे, यहाँ ब्लैंक खाली था, एक्स की वैल्यू निकालनी है, मैंने क्या किया एक्स को यहीं छोड़ दिया। अब माइनस सेवन अपॉन नाइन को दूसरी साइड ले गई, अब बेस सेम कर लेते हैं, तो थ्री नाइन जा ट्वेंटी सेवन प्लस का सेवन ऐसी है तो ये हो जाएगा आपके पास थर्टी फोर अपॉन नाइन, यहाँ आ जाएगा। क्लियर, लास्ट फोर्थ पार्ट रह गया, अगेन यहाँ पर एक्स सेलेक्ट कर लिया खुद से, अब एक्स तो यहीं छोड़ देते हैं और माइनस फिफ्टीन अपॉन ट्वेंटी थ्री को इधर ले आते हैं, बेस सेम किया तो ट्वेंटी थ्री को फोर से इंटू करोगे तो नाइन्टी टू आ जाएगा, फिफ्टीन आपके पास ऐसे ही रहेगा। ठीक है, अब नाइन्टी टू में से बस क्या करो, फिफ्टीन को माइनस कर दो तो सेवेंटी सेवन अपॉन ट्वेंटी थ्री आ जाएगा, यहाँ पर आ गया सेवेंटी सेवन अपॉन ट्वेंटी थ्री। क्लियर, तो आज हमारी ये एक्सरसाइज 1.3 पूरी कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 1.4 शुरू करेंगे। इस चैप्टर के सारे एग्जांपल्स चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर सकते हैं। साथ के साथ एक और चीज़ बता दूँ, इस चैनल पे आपको आर डी शर्मा के सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, तो अगर आपने चैनल नहीं सब्सक्राइब कर रखा तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ इस चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।